सालाना इम्तहान 2022 उम्मीदवारों की इंतहाई जरूरी हदायत। नंबर वन, अपनी रोल नंबर स्लिप अपने पास महफूज रखें और अपना पर्चा देने के लिए ये स्लिप अपने हमरा सेंटर में जरूर लाइए। इसमें दर तारीख वक्त ग्रुप के मुताबिक इम्तहान में शिरकत करें। बसूरत दीगर उम्मीदवार का नतीजा मनसूख किया जा सकता है। नीज असल रोल नंबर स्लिप उम्मीदवार को हर पर्चे वाले दिन लाजमन मरकज को दिखानी होगी। असल रोल नंबर स्लिप पास न होने की सूरत में पर्चा मिस हो जाने की जिम्मेदारी उम्मीदवार पर आए आप पर आए होगी। रोल नंबर स्लिप पर किसी किस्म का निशान या तहरीर नहीं होनी चाहिए। बजूरत दीगर आपके खिलाफ आए अनफेयर मीन्स केस यूएनसी लग जाएगा, FIR आप पर FIR हो जाएगी और आपको जेल हो सकती है बन जाएगा और आपको हवाले पुलिस कर दिया जाएगा। अंडरस्टूड? ये नामी है, दमी है, जारवी है, बारहवीं है, तेरहवीं है, चौथवीं है, पंद्रहवीं है, सोलहवीं है, काम करोगे तो पुलिस जेल जेल। कानून समझ आ गया? ये कानून सिखाना था आपको मैंने आज, पॉलिटिकल साइंस। आपको ये रोल नंबर सिर्फ इम्तहान में शमूलियत के लिए मशरूत तौर पर जारी की जा रही है। मगर अच्छा, रोल नंबर सिर्फ दर्ज क्वाइफ नाम वालदियत तस्वीर मजमून में तजाद की सूरत में कबल इम्तहान दुरुस्ती करवा लें। माबाद बोर्ड कवायद के मुताबिक आपकी अहलियत गलत साबित होने पर न सिर्फ आपका नतीजा रोका जा सकता है बल्कि मनसूख भी किया जा सकता है। नतीजा रोका जा सकता अगर एक काम हो गया फिर बोर्ड जाना बड़ा मुश्किल होता है। उम्मीदवार को सुबह के पर्चे के लिए 8 बजे और शाम के पर्चे के लिए 1 बजे, जुमा मुबारक को 2 बजे हर सूरत अपनी सीट पर बैठना हो। बाय फ्रेंड के पास नहीं बैठना, सीट पर बैठना हो। ये सीट इधर क्या बैठेगा, आधा घंटा पहले सीट पर बैठना। फ्रेंड होते फ्रेंड किधर जाना, छुट्टी पर मिल जाएगी आप किधर बैठे हो, आप तो नहीं रहना वो। अच्छा, उस पर आगे क्या करोगे? नीज पर्चा शुरू होने के बाद किसी भी उम्मीदवार को इम्तहानी मरकज में दाखिल होने की हर इजाजत ना होगी। हर पर्चे के लिए तबीरों को सिर्फ एक ही जवाबी कापी 24 सफात वाली मिलेगी। कितने 24 सफात की कापी बेटा आपको इंग्लिश की मिलेगी और आपने 24 सफात पूरे कर 3 घंटे के अंदर। ढाई घंटे 24 सफे अंग्रेजी के, 24 सफे उर्दू के लिखने। जो लड़का ये काम नहीं करेगा वो फेल हो जाएगा। तो आपको नजर आ रही है वो चौथी 50 सीटें, उसकी भी होंगी 50 सीटें। कितनी होगी? 100। टाइम उसी 3.5 घंटे टाइम होगा आपके पास। 3.5 घंटे में आपने 50 सफे अंग्रेजी में लिखने। पंजाब यूनिवर्सिटी आपसे लिखवाएगी नहीं तो आप फेल। ठीक है बेटा, कितने सफे लिखने? कितनी देर में? 60 60 100 कितने हो गए? 190 मिनट के अंदर 50 शीटें। डबल साइडेड मार्कर का इस्तेमाल, पॉइंटर का इस्तेमाल। हाशी लगा लें इतने खुले भी लगा इधर आधे इंच के लगा लें। दो इंच हाशी लग गया सी। अगला बेवकूफ नहीं होता पता होता है जगह तंग करने के लिए हाशी इतने हाशी ऐसे नहीं करती। समझ आ गई बातें में? नहीं आप आ गई मुझसे बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गई। अब और आ जानी चाहिए अभी गल हो गई जब ही मैटर के तो 50 13। ठीक है जो सर, लिखने की जो लड़की प्रैक्टिस नहीं करेगी या जो रोज़ कहती सर मुझे सुन ले मैं लिखूंगी नहीं मैं सिर्फ सुनाऊंगी। सर जी मैडम मैं विभाग को क्या कहते हैं मैम आप हमसे सुन लें, लिखते हुए बहुत पढ़ती है उन्हें बेटा बहुत पढ़ चुके पढ़ गई है समझो क्या कर जिन्हें अजे तक नहीं लिखा उन्हें पढ़ गई है। नहीं बेटा सर जी मेरे को बात बेचक रिकॉर्ड होती है जो सच है वो सच है, जिसको लिखते हुए तकलीफ होती है उसको तकलीफ हो जाएगी। ज्यादा तकलीफ से बचना है तो लिखना शुरू कर। नहीं अभी आप वर्ड में लिखेंगी ना, वर्ड में लिखेंगे आप उर्दू लिखेंगे आज लिखना है सर 14 मिनट में हम इंशाल्लाह आपको व्हाट्सएप कर देंगे आपको मेल कर देंगे हम 14 मिनट में आप शाम जरूर रहे क्यों नहीं होते आप 14 मिनट बहुत कम है।
किसी भी मुकामी छुट्टी के लान डेट शीट पर हार गई असर ना, जैसे भी हालात हो जाएं आपकी डेट शीट की छुट्टी नहीं, जो डेट बता दी गई है पेपर उसी डेट को हो जाए, चाहे जल्जला आ जाए, तूफान आ जाए, बम ब्लास्ट हो जाए, मरियम धरना दे दे, इमरान धरना दे दे, जैसे भी हालात होंगे आपका पर्चा होगा, आप पे नहीं तो पर्चा होगा। अच्छा, आपको बेटा पेपर देना है, जो कह दिया तो कह दिया, देना तो देना, और 24 सीटें लेके आनी है, ठीक है, आपने 50 लेके आनी। उम्मीदवारों को मुतनबा के आखिरी बात, उम्मीदवारों को उम्मीदवार है सारे, आप दसवीं दे, बारहवीं दे, चौथवीं दे, सोलहवीं दे, सारे उम्मीदवार कैंडिडेट्स, कैंडिडेट्स को मुतनबा किया जाता है कि इम्दानी मरकज में मोबाइल फोन लेकर जाने की हरगिज इजाजत नहीं है। ठीक हो गया जी, नहीं तो पर्चा हो गया। अलावा जी उम्मीदवार अपने पास कोई ऐसी तहरीर या कागज हरगिज न रखे। पास करो एक लड़का यार, आप इस तरह करना है, नजायज इस्तेमाल करना है किसी, कोशिश करें किसी किस्म की गड़बड़ करता है तो उसको दीगर बदलवानी कहते हैं, करप्शन, बदलवानी क्या होती है, करप्शन, मुलावज पाया गया तो मामला की नोयत के मुताबिक उसको गांव दिखा दिया जाएगा, आइंदा दरात के ना आने त्रै साल से बाहर पड़ेगा, समझो यूएमसी, जिसको यूएमसी लग गया त्रै साल से बाहर हो गया। आप कहते हैं ना मैं पीटी छोड़ के सर जी फेडरल में चला जाऊंगा, आपका आईडी कार्ड नंबर उधर पकड़े जाएंगे, आप जो सब आप कहती हैं मैं पंजाब छोड़ूंगा, मैं सरगोधा चली जाऊंगी, फिर मैं वो कह मैं अपन शहर के अपन जुड़ जैसा, आईडी कार्ड नंबर तो ही है, जिधर मारेंगे आप पकड़े जाएंगे। ठीक हो गया, आप करप्ट हो गया, 3 साल में आपको बाहर निकाल दिए गए, कंप्यूटर 10 ही आपको पकड़ लेगा, यूएमसी चढ़ा होगा, आपके कागज खराब हो गए। ठीक है, लिहाजा ऐसे कामों से बचे। और एक और मदे की बात, तो मैं छापे मरवाऊंगा 11वीं में 12वीं में, लड़कियों के सेंटर में भी, इधर भी पावर मेरे हाथ में आ गई, नामी दामी यारी बारी नकल मैं था ना स्कूल जोड़ देना, तेरा कुड़ी स्कूल जोड़ देना, ये ध्यान रखो भाई, शिकायत टट्टू इंस्पेक्टर बोर्ड से आएगा, जो करप्शन करेगा टोटल पास वो बच्चे होंगे बेटा जो पढ़ने वाले। छाड़ना तो छाड़ना था, क्या छाड़ना, छाड़ना लगेगा, बड़ा छाड़ना, छांटी होने के बाद 100 में से 10 लड़कियां निकलेंगी और 100 में से 5 लड़के निकलेंगे, तो 5 होंगे वो 40 ऊपर नहीं चढ़ेंगे। क्वालिटी एजुकेशन, एजुकेशन पढ़ी आपने, एजुकेशन पढ़ी आपने, यस सर, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन, जो लड़की मैथ पास करके आएगी वो वाकई पास करके आएगी, जो फिजिक्स पास करके आएगी वो फिजिक्स, इंग्लिश पास करके आए वो पास करके आए, पंजाब यूनिवर्सिटी बी ए का इंग्लिश पास जो होता है वो कहते हैं यार वाकई इंग्लिश आती है, ओपन भी होती है, कुत्ती भी होती है, कुत्ता पैदा होता है, उनको पता है कि ओपन वाले ऐसे ही पास, ओपन वाले फेल करते हैं, और पंजाब सही आपको दिखाना कुंदन बनाता है, कुंदन जला के सही तरीके से निकालता है बाहर, लिहाजा इसी यही वजह है कि पंजाब टॉप पे है, और हर कुत्ता पैदा ओपन का फेर रहा है, हर कुत्ती बिल्ली ओपन की फेर रही है, पंजाब स्टैंडर्ड है, अंडरस्टूड, एम आई राइट, अब तो ग्राम नगर मार रहा है आपको, ओपन इन फिर भी ओपन आपको पकड़ के डायस पे खड़ा कर दूंगी, कॉन्सेप्ट ले लिया, असाइनमेंटें वो लिख रही है मेरी, पेपर ये दे रही है, और मेरे पर डिग्री उठाई गई, यस सर, नो स्टैंडर्ड, घर में बैठ के पढ़ाई नहीं होती बेटा, घर में बैठ के पढ़ाई होती, फिर आज काम का ये नूर वाला आया लगे हुआ, कल से कुरान कहते हैं अल्लाह को मशवरा देते हैं, परवरदिगार गलत किया तूने काम, मालूम क्यों भेजा तूने, किताब की फोटोकॉपियां करा था कुरान की हर घर में तकसीम करवा देता, आप ही पढ़ लेते सारे, क्या खैर है, मालूम की क्या जरूरत है, यतनु लहम वयालिम किताब अल हिकमा व युज़क्की है, 4 काम वो करता है, मल्ले में नज़ीर है, बशीर है, दाई अल हक़ सिराज मुनीर है, यासीन है, ताहा है, मुदस्सर है, मुज़म्मिल है, और ऐसा कुछ आपको पता ही नहीं, और क्या आपको पता ही नहीं, वो जानने के लिए अल्लाह होना पड़ता है, या अली होना पड़ता है, इशारा करें चांद के 2 टुकड़े, और आखिरी बात सुनो, जॉब गारमेंट के अपने कामों पे
चुसा रसूलुल्लाह कब्रिस्तान के पास से गुजरे, सहाबा की जमात पीछे रुके, कब्र को देखा ऊपर कच्ची कब्र मट्टी की, कहते रुको एक मिनट, टहनी तोड़ के लो यहाँ से, सब स्टैनिंग, अपने हाथों में लिया कुछ पड़ा उस पर, ऐसे गाड़ दिया उसने, तो चलो कहा रुके 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 यहाँ फिर रुकी, ऐसे ही किधर जाए, ये क्या किया आपने अभी, कहा कुछ राज होते हैं राज ही रहने, राज होते हैं राज ही रहने दो, शाह जी दिल के दीवे दी रोशनाई जावे विच जमीना, ऐसे अल्लाह का वली कब्र के बाहर खड़े होकर देख रहा होता है कि नीचे चल रहे माहौल का खुला होकर नीचे क्या माहौल चल रहा है, जैसे अल्लाह का वली ना देखो तुम पूछ ही रहे हो जिद कर रहे हो, नबी इस्तिकाक हक के शागिर्द का फिर सवाल करे उस्ताद का फर्ज है को जवाब दे, रसूल ने फरमाया मैंने अपनी आंखों से देखा इस कब्र के अंदर जो मुर्दा मौजूद है उस पर एक सख्त मौजूद है कड़ा वक्त परेशान है, जब मैं गुजरा उसने तरसी नजरों के साथ मेरी तरफ देखा, फिर आप कुछ मेहरबानी करें, तो आप तो रहमत लिल आलमीन है, आप क्या है रहमत लिल आलमीन, आप हैं रहमत लिल आलमीन, हाथ जोड़ दे उसे, तो रसूल ने मुझे आला काम उसके ऐसे थे कि बचने वाला था नहीं, लेकिन चूंकि मेरा गुजर यहाँ से हो गया तो मैं रहमत हूँ जानवरों के लिए भी रहमत हूँ तो जिनों के लिए भी मलाया हर चीज़ के लिए, सो जब तक इसकी कब्र पर ये टहनी मौजूद रहेगी और हरी भरी रहेगी अजाब कब्र के फरिश्तों को सुकून कर देगा, दुनिया की बात कल वो आ रहा है, शिया के मुताबिक सत्रह को आ रहा है, सुन्नी के मुताबिक कल आ रहा है, पूरा महीने उसके आने का, जो मत देखो उसका दिन मनाना है, जिस 17-12 के चक्कर में पड़ गया है टाइम लाया लेकिन रुके ना 7-5-9-10 ऐवे वेले कम वे पूरा महीना रहमत है, क्योंकि अल्लाह ने अपना वो वजूद दुनिया में उतारा मोहम्मद की शक्ल में, वो वजूद अल्लाह ने दुनिया में नाजिल किया कि इसने दो बड़े काम कर दिए, अंधेरे से निकाल के रोशनी की तरफ आपको ले गया, आग से इसने आपको उठा के बागात में छोड़ दिया, ठीक है तुम्हारा तकलीफ तुम्हारा तुम्हारी परेशानी तुम्हारे ऊपर कोई मुसीबत आए उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, वो तुम्हारी तकलीफ बर्दाश्त नहीं करता, देखो मैं गया ना मैं गया यहाँ से पाकिस्तान से बाहर कनाडा चला गया तो लोग पता मुझे किस नाम से कि मंगन कौन है शिया सुन्नी वापी अरे धीर सिंह मंगन अंडरस्टूड मौलवी बाहर खुदा का आवाज़ मौलवी से दूर हो जरा ये मंगन ये क्या है जी मंगन मंगन का तर्जमा मोहम्मदी है मोहम्मदी का क्या मतलब ये एक प्रॉफिट है ये उसका फॉलोअर है उसको मानता है उसका नाम लेता है इसको मारो क्यों मारो ये जीसस के खिलाफ है जीसस को नहीं मानता अलोंगू के बाद हम उनसे ज़्यादा मानते हैं ये जीसस की माँ को नहीं मानते जीसस के मुखालिफ है ये मंगन है हमारे नबियों को नहीं मानता नफरत लोग आपसे करते हैं इस वजह से कि तुम रसूलुल्लाह को मानते तो मोहम्मद रसूलुल्लाह जिसने पढ़ लिया देखो ला इलाहा जरूर भी पढ़ता है ला इलाहा और पढ़ता है ईसाई भी पढ़ता है सितारा ब्रस भी पढ़ता है आपको जो फ़र्क आप में और उनमें बेटा अब्दुल बंद में डिपेंड हो गया मैं जा ठीक हो गया आप भी जो पढ़ते हैं फ़र्क है ना डिफरेंस कहाँ पर आ रहा है आपका फ़र्क कहाँ पर आ रहा है मोहम्मद रसूलुल्लाह फखर करें राय साहब मेरे आप की करतूत ऐसे नहीं है भी अल्लाह को फेस कर सकें एक हमारे पास टोटल एक खूंटा है एक किला है एक पावर है एक तलक है एक रिश्ता है जिस खूंटे पे हम नाचते हैं खूंटा समझते हैं आप खूंटा किला वो किला है रसूल जिस पे तड़ देती मैं जोर दे देती थी किले के जोर पे मैं जोर किला बैठते हैं रसूल अगर ये किला उखड़ गया तो ये आपके हाथ से निकल गया तलक रिश्ता आप बस क्या बचेगा कुछ बचेगा ना आपके तहज्जुद आपको बचा सकते हैं ना रोजे ना नमाजे ना हज ना जिक्र असगार की तस्बीह देखो ना तस्बीह रसूल ने अपनी बेटी को दी है तस्बीह फातिमा दी
तस्बीह फातिमा है मेरे हाथ में। तस्बीह फातिमा जो है बुनियादी तौर पर रसूल ने गिफ्ट की थी फातिमा को, तो चौथी बार अल्लाह अकबर, तेती बार अलहमदुल्ला, तेती बार सुभान अल्लाह। अव्वल आप दूर रख के पढ़ो तो हर मसला दूर हो जाता, लड़की घर से निकले तो पढ़ के निकले सेफ घर आती, मरती नहीं रास्ते बच जाती है। लड़की घर से पढ़ के निकले, दो मिनट कम है, पाँच मिनट कम है, तस्बीह फातिमा पढ़ के घर से निकले, दूर से बबल आकर रखे दूती भी फातिमा, तस्बीह फातिमा लाजमी के चैप्टर इसमार लाजमी ग्यारहवीं की जो उसमें लिखा हुआ है, इसको तस्बीह फातिमा बोलते हैं। हाँ लिखा हुआ इसमार लाजमी ग्यारहवीं की साल जो आई है उसको आप ग्यारहवीं पढ़ोगे ना, ग्यारहवीं जब नहीं पढ़ो ना ये आप ग्यारहवीं कौन पढ़ेगा, तुम नहीं पढ़ोगे, तुम पढ़ोगे इंशाअल्लाह। अल्लाह तुम्हें 14 16 कराए, 18 20 22 कराए, 22 पीएचडी को 22 कह दिया। तो जो बच्चे कहते हैं मैं पढ़ूंगा, मुझे दिल से दुआ लिखती कि वो अल्लाह 22 मार्क्स करवाए, तो जो कहते हैं नहीं पढ़ूंगा अल्लाह कहते हैं वो पीछे जाए और पीछे जाए, क्योंकि जो पढ़े पढ़ता नहीं है वो उसकी इबादत का मकसद है। पढ़ना इबादत है, जो हरामजादी या जो हरामजादा आपको पढ़ाई से दूर करे वो इब्लीस की नसर। अंडरस्टूड ऐसी हरामजादी को आज तलाक दे दें आप, ऐसे हरामजादे को तलाक दे दें आज, जो आपकी पढ़ाई के रास्ते में रुकावट है आपको महमेस करूंगी। हरामजादी आगे से कहती जिन्हें किया उन्हें क्या कर लिया, वो हरामजादी को इधर से मारनी पूरा चाक एंड लेकर आउट, तलाक 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 के बारे में ठीक हो गया बेटा। आज से ऐसे हरामजादी से दूर रहना, ऐसी हरामजादी से दूर रहना जो आपको, देखिए मर्द को ही बेटा आपको कहेगा, पापा नहीं कहेगी बेटा अपना पढ़ो, चाचू नहीं कहेगा अपना पढ़ो, भाई नहीं कहेगा अपना पढ़ो। कुछ होती हैं ऐसी हरामजादियाँ जिन्हें आप बर्दाश्त नहीं होती कि आप बीच जी करें, आप सी एस एस करें, आप किसी ग्रेड के अफसर लगे, आप अपने पैरों पर खड़ी हो जाए, अल्लाह आपकी इज्जत आप इल्म हासिल करते हैं, अल्लाह आपको इज्जत दे देता है। पता इज्जत इल्म से, असल जेवर औरत का इल्म, और जब माएँ पढ़ी लिखी होती हैं तो नस्लें पढ़ जाती हैं। एम आई राइट? When you educate one man, when you educate one man, you educate one person, educate one female, educate the nation, puri qaum, Allah Hafiz.